जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान में 4 लाख पदों पर होंगी भर्तियां। बिल्कुल साथियों, 4 लाख भर्तियां होने वाली हैं। नया बजट सत्र 2024-25 का जारी हो चुका है और भजन लाल सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जो बजट पास हुआ है दोस्तों, दिया कुमारी जी ने उसमें भी जो मंजूरी दी है, उन तमाम चर्चा करने वाले हैं। जो भी भर्तियां लेटेस्ट उन्होंने बताई हैं, उन भर्तियों की जो मंजूरी मिली है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी बेरोजगार साथी युवा हैं उनके अब खुशी के जो हैं पल आने वाले हैं, क्योंकि भर्तियां बहुत ही ज़्यादा आने वाली हैं। संपूर्ण जानकारी को समझेंगे। नया बजट पास हो चुका है, उस बजट में जो जो चर्चाएं की गई हैं वो मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूं। मोस्ट जो भी भर्तियां हैं उन भर्तियों को मैं शामिल करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। हम समझने वाले हैं कौन कौन से विभाग में कितने कितने पदों पर जो भर्तियाँ होने वाली हैं, वो बहुत जल्द इसके नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं, उसकी सूचना मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको तमाम भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं, कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी पदों पर भर्तियां आने वाली हैं, सारी सूचना हम आपको देने वाले हैं और प्रूफ भी आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। राजस्थान में 4 लाख पदों पर भर्ती 2024-25, नया बजट 2024-25 जारी हो चुका है साथियों। राजस्थान रोडवेज में भर्ती है, राजस्थान वन मित्र की भर्ती है, राजस्थान पुलिस में भर्ती है, राजस्थान होमगार्ड में भर्ती है, राजस्थान चिकित्सा विभाग में भर्ती है। इन तमाम भर्तियों की हम चर्चा करने वाले हैं, कितने कितने पदों पर यह भर्तियां होने जा रही है और इनका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। और इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी ये खबरें आई है साथियों नए बजट की, ये आपको कहां पर मिलेंगी? ये आपको मिल जाएंगी साथियों ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें होती है, नोटिफिकेशन होती है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है साहब, तो सारे के सारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ भाई। अब हम बात करते हैं साथियों, महिला और पुरुष दोनों को इसमें मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए। 5 साल में 4 लाख पदों पर होंगी भर्तियां, युवा नीति 2024 बनाई जाएगी, बजट की बड़ी घोषणाएं। बिल्कुल साथियों, अब 5 साल के अंदर अंदर 4 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। आप यह मत समझना कि सब एक बार ही 4 लाख पदों के पर भर्तियां हो जाएंगी, क्या ना 5 साल में करवाऊंगा, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी भर्ती निकालेंगे आराम आराम से, समझगा। एक साथी को ना अगले भाई एक साथी पटारो खोल दिया, आराम आराम से निकालेंगे। 5 साल में 4 लाख पदों पर होंगी भर्तियां और इस वर्ष जो होगी साथियों वो 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस साल जो होंगी वो 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। पूरी चर्चा अब हम करते हैं कौन कौन से विभाग में कितने कितने पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सीधे ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, तो आप इंस्टा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है साहब, अब आ जाओ फटाफट से विभाग देखते हैं। राजस्थान पुलिस में भर्ती है, पदों की संख्या दी गई है 5525 भी। जी हां साथियों, 5525 पदों पर पुलिस में भर्ती आने वाली है। इनके फॉर्म अभी नहीं हुए हैं, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, नोटिफिकेशन बहुत जल्द, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि सब शुरू ही होगा के फॉरम, ना, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा पुलिस में 5525 पदों पर, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, आरएसी, आरआईएसएफ, योग्यता 12वीं पास, सीईटी भी आपको पास करनी होगी साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 12वीं वाली जो सीईटी है वो मांगी जाती है, इसलिए आप 12वीं वाली सीईटी को क्लियर कर लीजिएगा, पास कर लीजिएगा। ठीक है ना साथियों, वरना फिर आप फॉरम नहीं भर पाओगे, क्योंकि सीईटी है ना, जिसमें सीईटी पास होगी तभी आप फॉरम भर पाओगे, अन्यथा फॉरम नहीं भर पाओगे। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो सीईटी के जो अभी फॉरम आने वाले हैं तो फॉरम भर दीजिएगा और सीईटी का एग्जाम दे दीजिएगा, ताकि आप भी आने वाली भर्तियों में हिस्सा ले सके। ठीक है साहब, अगली बात करें विभाग राजस्थान रोडवेज। राजस्थान रोडवेज में साथियों कंडक्टर और ड्राइवर की भर्ती आएगी। कंडक्टर की भर्ती में 12वीं पास योग्यता और कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइवर भर्ती में 10वीं पास और
हैवी का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1650 पदों पर बात की गई है साथियों, 1650 पदों पर राजस्थान रोडवेज में भी भर्ती आने वाली है। इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और जो भी साथी कंडक्टर के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो वो साथियों वीडियो डाल रखी है हमने और मैंने खुद लाइसेंस बनवा रखा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको प्रूफ के तौर पर। ये रहा कंडक्टर लाइसेंस, इस पर लिखा हुआ है इंडियन कंडक्टर्स लाइसेंस राजेश गुजर। ये मेरी फोटो रही, ये मेरे सिग्नेचर रहे, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सारी चीज़ें वैलिड वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है साहब, पीछे से देख लीजिए, जिला परिवहन अधिकारी अलवर राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कंडक्टर्स लाइसेंस। यहाँ पर ऐसा होता है साथियों कंडक्टर का लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो। मैंने कहाँ बनवाया है दोस्तों, मैंने बनवाया था सांगानेरी गेट जयपुर। ठीक है साथियों, जयपुर से मैंने बनवाया था। और ये जो कंडक्टर लाइसेंस बनता है इसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का कोर्स करना पड़ता है, जो कि आपको 7 दिन के लिए कोर्स करवाया जाता है, क्लासें ली जाती हैं। 7 दिन तक मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर के क्लासें ली है, सांगानेरी गेट जयपुर, समझ गए, वहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें मैंने 7 दिन तक क्लासें ली और फिर वहां पर मेरे को फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट दिया गया था। उस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को आप अपने आरटीओ में जाकर के जमा करवाएं, आरटीओ ऑफिस है ना आपके खुद के जिले का, उस आरटीओ ऑफिस में जाकर के वहां से आपका लाइसेंस बनेगा और फिर आरटीओ ऑफिस से ही आपको लाना पड़ेगा, खुद लाना पड़ेगा। साथियों ये मत सोचना कि ये कंडक्टर लाइसेंस डाक से आएगा, नहीं, तुमको खुद जाकर लाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में जाकर के। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये लाइसेंस बन जाएगा जो 3 साल के लिए वैलिड होगा और उसके बाद में फिर आगे की प्रक्रिया रिन्यू फेन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, तो 3 साल तक आपका ये लाइसेंस काम देगा आपको। और इस लाइसेंस से अगर आप वैसे बस सारथी योजना के तहत संविदा पर लगना चाहते हैं तो संविदा पर भी लग सकते हैं, जो बिना परीक्षा लगते हैं। और गवर्नमेंट आप बनना चाहते हैं तो साथियों परीक्षा की तैयारी करनी होगी और फिर आपको गवर्नमेंट में मौका मिलेगा। ठीक है साहब, ये 1650 पदों की बात हो गई। ठीक है जी, और इस कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं, ओमवीर रोजगार, ऐसे आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी जो कि क्लियर मैंने समझा रखा है। आगे बात करें राजस्थान वन मित्र भर्ती, ये बजट में घोषणा हुई है साथियों। वन मित्र भर्ती योग्यता 8वीं 10वीं पास हो सकती है, 12वीं पास भी हो सकती है, कन्फर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है जी, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी 2000 पदों पर, यह घोषणा हो चुकी है साथियों। 2000 पदों पर वन मित्रों को लगाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जो काम कहां करेंगे, वन विभाग में काम करेंगे, जो कि वन रक्षक हैं उनके साथ मिलकर के काम करेंगे वन मित्र। बिल्कुल दोस्तों, आगे की बात करें राजस्थान चिकित्सा विभाग, राजस्थान चिकित्सा विभाग में चिकित्सक के पद हैं 1500 और नर्सिंग के पद हैं 4000। इन पदों पर भी ये भर्तियां बहुत जल्द आने वाली हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है जी, ये बजट में हुए हैं सारे के सारे पास। राजस्थान नई भर्ती होमगार्ड भर्ती 2024, 5000 पदों पर साथियों, राजस्थान में नई होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, 5000 पदों पर आने वाली है, जो कि 8वीं 10वीं पास होती है। और पिछली भर्ती जो जनवरी फरवरी में 2023 में जो आवेदन हुए थे उसका फिजिकल बाकी है, 3842 पदों की ये भर्ती थी 2023 वाली, इसका फिजिकल भी करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको पहले फिनिश किया जाएगा, उसके बाद नई भर्ती आएगी 5000 पदों पर होमगार्ड की। ये है साथियों पूरी की पूरी भर्तियां जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा, जैसे ही इनका नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको फौरन बता देंगे और आपको सूचना दे देंगे। ठीक है दोस्तों, और आपके मन में जो भी कोई शंका संकोच है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है जी, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।